बुरहानपुर से होकर गुजरने वाले इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर बीते दो दिनों से सड़क हादसे हो रहे हैं। सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत और आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और एसपी पंकज श्रीवास्तव की अगुवाई में आधा दर्जन विभागों के अफसरों ने कर्मियों ने हाईवे का निरीक्षण किया और कलेक्टर ने बताया कि नगर निगम सीमा से होकर गुजरने वाले इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर अंधे मोड़ पर रिफ्लेक्ट सावधानी संबंधी बड़े शब्दों में दिशा निर्देश, हाईवे पर ध्यान भटकाने वाले होर्डिंग्स पोस्टर हटाने, साइड पट्टी सड़कों का सर्विस रोड से भारी वाहनों के पिक टाइम में शहर में प्रवेश, स्पीड निर्धारित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं और जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज हम लोगों ने चिन्हित किए हैं कहाँ टर्निंग है, कहाँ डार्क है, कहाँ पे अपने को स्पीड लिमिट करनी है, कहाँ स्पीड ब्रेकर लगाने हैं, कहाँ पे रिफ्लेक्टर लगाने हैं, किन किन जगहों पे अपने को यातायात जागरूकता के होर्डिंग्स लगाने हैं, कहाँ स्पीड लिमिट का होर्डिंग लगाना है और कहाँ हम लोग लेफ्ट टर्न क्लियर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज की हैं। आप लोग पूरे दौरे पर साथ में थे तो आपने देखा कई चीज़ें अपन लोगों ने आज निर्णय लिया है और अभी लगभग 15 दिन का समय दिया है सारी एजेंसीज को, एजेंसी अपना कल से काम में लग जाएंगे। पिछले हफ्ते में कुछ अधिक ऐसे केस आ गए हाईवे पर जिसमें कि लोगों की जाने गई, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। इसको लेकर हम लोगों ने एक बार पुनः पूरे जो रूट था और पूरे जो भी समस्याएं हैं ट्रैफिक के दृष्टिकोण से उनका रिव्यू किया। स्वाभाविक तौर पर जब कोई दुर्घटना होती है तो उसका प्रकरण दर्ज होता है, विवेचना होती है पुलिस के द्वारा होती है, तो सारी चीज़ें किस कारण से दुर्घटनाएं हो रही हैं और कैसे उसका निदान किया जा सकता है, उसमें जो जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं कलेक्टर साहब से आज अनुरोध करके वो सारी एजेंसीज को इस साथ लेके वो सारे जो कारण हैं जो दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं उसको हमने अवगत कराया है और उसको जब दूर करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर कुछ दुर्घटनाओं में कमी आएगी। बुरहानपुर की रिंग रोड का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, डीपीआर स्वीकृति की प्रक्रिया, उसे प्रक्रिया के भिन्न भिन्न आयाम है, उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया लगभग पूर्णता की ओर है और 250 करोड़ रुपए के से अधिक की लागत का से बनने वाला ये रिंग रोड, ये निम्बोला से पहले पेट्रोल पंप के पास से इंदौर अमरावती हाईवे से मिलेगा और दरअसल ये दो बाईपास के संयोजन से पूरा